UPPCL की कैंप असिस्टेंट 2022 की जो वैकेंसी आई थी इसके रिगार्डिंग यहाँ पे मैं कुछ आपको बताने वाला हूँ। देखिए, अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया कि एग्ज़ाम कब होगा। जहाँ तक मेरा अनुमान है, ये एग्ज़ाम अक्टूबर तक होने के चांसेस हैं, क्योंकि अभी जो वैकेंसी चल रही है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की, उसकी परीक्षा की संभावित अवधि जो बताई गई है अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में। और आप लोग को अच्छे तरीके से पता होगा, अगर आपने UPPCL का एग्ज़ाम दिया होगा या फिर किसी आपके बड़े भाई ने एग्ज़ाम दिया होगा, ये ज़्यादातर UPPCL के एग्ज़ाम सारे एक साथ होते हैं, चाहे वो आपका UPPCL का कैंप असिस्टेंट हो, APS हो, ARO हो या फिर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट हो। अभी जो कैंप असिस्टेंट 2021 वाली वैकेंसी थी उसका लास्ट फेज़ है ज्वाइनिंग कराना, वो रह गया है। वो भी अब मुझे लग रहा है 12 से 15 तारीख तक ये करा देंगे। बहुत फास्ट होता है कैंप असिस्टेंट का जो प्रोसेस होता है, या आप कहें UPPCL का जो प्रोसेस होता है, बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। आपको बिल्कुल ही टाइम नहीं मिलेगा, 15 से 20 दिन दे दें तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप यकीन कीजिए, अगर आपकी तैयारी नहीं होगी तो 15 से 20 दिन में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप अभी से तैयारी अपनी रखिए, कैंप असिस्टेंट के 150 क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि वैकेंसी सारी जनरल की है। लगभग 24 पद थे, जिसमें से 21 नॉर्मल और बाकी EWS वगैरह के पद थे, कोई OBC वैकेंसी नहीं थी उसमें। तो कैंप असिस्टेंट 2022 के जितने भी बच्चे हैं वो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के फॉर्म तो ज़रूर भरे होंगे, और जिन्होंने नहीं भरा तो उनके लिए मेरा सलाह है कि आप ज़रूर से ज़रूर भर दें। उसमें भी सेम सिलेबस है, सिलेबस का थोड़ा बहुत हम लोग यहाँ पे वो देख सकते हैं। सिलेबस कुछ इस तरीके से है कि आपको उसमें 180 क्वेश्चन दिखने को मिलेंगे जो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट वाला है, जिसमें से आपको हिंदी और इंग्लिश का जो वो है क्वेश्चन का 55 55 क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे, जहाँ पे आपको 200 क्वेश्चन आपको इसमें कैंप असिस्टेंट में देखने को मिल रहे हैं। 65 65 रहता है यहाँ पे वेटेज क्वेश्चनों का, हिंदी और इंग्लिश का। तो आप लोगों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको बिल्कुल भी ये मत करिए कि 1200 रुपये का फॉर्म है, नहीं भर रहे हैं, ज़्यादा बच्चे होंगे। देखिए, बच्चे तो ज़्यादा होंगे इसमें, लगभग 4 से 5 लाख बच्चे मिनिमम तो भरने ही भरने हैं। अभी रजिस्ट्रेशन करके आप देख सकते हैं, 1 लाख क्रॉस हो चुका है, तो आप देख सकते हैं इस फॉर्म को ज़रूर भरें। इसके अलावा एक वैकेंसी और आई है UPPCL के थ्रू ही, सॉरी UPPCL के नहीं, URVNL के थ्रू आई है, वो कंप्यूटर असिस्टेंट की है, लगभग 31 पद उसमें भी हैं, तो आप उसको भी भरिएगा। देखिए, 1200 का फॉर्म तो है, लेकिन ये है कि आपको यहाँ पे जिन बच्चों को चाहिए कि जल्दी से जल्दी पेपर का रिजल्ट आ जाए, पता चल जाए कि फेल हैं पास हैं, वो UPPCL का एग्ज़ाम देते हैं। बाकी UP SSSC SSC वगैरह ये जितने भी एग्ज़ाम होते हैं वो काफ़ी डिले करते हैं, कुछ ना कुछ उनमें नया सुनने को मिलता है कि इस बार ये धांधली हो गई, वो धांधली हो गई। तो आप लोग जो भी UPPCL के लिए तैयारी कर रहे हैं, अभी से बिल्कुल अपने आप को कमर कस लें, कभी भी एग्ज़ाम डेट आ सकती है। देखिए, संभावित अवधि दे रखी है उसकी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की, 2022 अक्टूबर के द्वितीय सप्ताह में। उसी के रिगार्डिंग मैं कह रहा हूँ कि ये भी चांसेस है कैंप असिस्टेंट के भी उसी के साथ कराएं। बाकी कुछ कह नहीं सकते हैं, अभी कोई नोटिस दे दें और 15 दिन के बाद या 20 दिन के बाद ये एग्ज़ाम करा लें कैंप असिस्टेंट का, तो चांसेस हैं कि अक्टूबर में ये डिले हो, क्योंकि ग्रुप डी के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, इनको नहीं मिल रहा है TCS, अभी कुछ वो नहीं दे रहा है अपने एग्ज़ाम सेंटर, इस वजह से ये डिले हो रहा है। बाकी आपको क्या लगता है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कुछ कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी टेलीग्राम में भी आप जुड़ सकते हैं, वहाँ पे भी अपने दोस्तों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।